शोर के और लोकेशन शूट चल रही है, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि न्यू ईयर की मेरी पहली फिल्म की शूट स्टार्ट हुई है आज से, और टाइटल बहुत ज़्यादा अच्छा है और मेरा कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा है, फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप जानते हैं, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं कुणाल सिंह जी हैं, जो हमारे एवरग्रीन एक्टर हैं हमारे इंडस्ट्री के, मतलब मैं जब पैदा भी नहीं हुई होंगी तब से वो इस भोजपुरी फिल्मों में हैं, उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है और आज वो फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि उनकी फिल्म में मैं एज ए हीरोइन हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। उनके लड़के आकाश सिंह भी इसमें किरदार? हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही कमाल की बात है, और क्योंकि मेरे साथ ही साथ सभी दर्शक भी देखना चाहेंगे कि उनके बेटे इस फिल्म में हैं आकाश, और वो बहुत ही बेहतरीन डांसर बेहतरीन एक्टर हैं, और मैं एक्साइटेड हूँ उनके साथ फिल्म करने के लिए, तो ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होगी और उन्हें भी एक बहुत ही कमाल के हीरो मिलेंगे। जैसे आपने कुणाल जी के बारे में जिक्र किया कि भोजपुरी को उन्होंने क्या एक अलग जो है मुकाम तक पहुँचाया है, ऊँचाई दी है, तो आकाश के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है इनका भविष्य? देखिए, एज एन एक्टर तो वो बहुत ही अच्छा करेंगे इंडस्ट्री में, क्योंकि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। अदरवाइज जो एक स्टारडम की बात होती है वो हमारी ऑडियंस डिसाइड करेगी, बट मुझे काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि एक चीज़ समझ में आ जाता है जब आप किसी के साथ फिल्म कर रहे होते हैं, तो एक ऑलरेडी जो उनके ऊपर जो एक स्टार्स हैं वो समझ में आ जाता है, तो आई थिंक और मैं कंफर्म भी बोल सकती हूँ कि इस फिल्म के बाद ना वो बहुत ही बेहतर काम करेंगे हमारे इंडस्ट्री में आकाश। रानी चटर्जी की हर मूवी जो है सुपर डुपर हिट जाती है, इस मूवी में क्या अलग किरदार देखने को दर्शकों को मिलेगा? इस फिल्म में किरदार बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरा, काफ़ी शेड्स हैं, कभी नाचने वाली बन के जा रही हूँ, अभी आप अगर मेरा अभी ड्रेस देखेंगे तो वो वर्दी है लेकिन थोड़ी अलग तरह की है, तो काफ़ी शेड्स हैं इसमें और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, लोगों को बहुत मतलब बहुत इंजॉय करेंगे लोग। इस मूवी के लिए गाने की बात की जाए तो सिंगर कौन से? म्यूज़िक डायरेक्टर हमारे मधुकर आनंद जी हैं, और अभी जो गाना मैं शूट कर रही हूँ इसमें मोहन राठौर जी ने गाया है, और जो फीमेल वॉइस है वो मैंने अपनी दी हुई है, जो थोड़ा बहुत डायलॉग्स बोला है मैंने, आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को मज़ा आएगा। बाकी गाने, पूरे गाने इस फिल्म के बहुत अच्छे हैं, काफ़ी वैराइटीज़ हैं, डांसिंग नंबर है, सैड है, एक कॉमेडी सॉन्ग है, तो वैराइटीज़ हैं इस फिल्म की म्यूज़िक में। बिल्कुल मैं शेयर करना चाहूँगी, देखेंगे अगर आप, ये मैंने वर्दी पहनी है, शॉर्ट्स पहने हैं, रेड टी शर्ट पहनी है, ये जैकेट एक्चुअली मैंने ऐसे, मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी, मेरी तबीयत ख़राब है तो फीवर है, तो ठंड लगने की वजह से मैंने ये ऊपर से जैकेट पहनी है जस्ट, बट जब आप शॉर्ट देखेंगे तो मैं वर्दी में आ जाऊँगी। मैम इस और इसका शूट कहाँ होने वाला है? इसकी शूटिंग और हम लोग अभी डिसाइडेड नहीं है कि हम कहाँ, लेकिन आउटडोर होगा सेकेंड शेड्यूल, और वन शेड्यूल में हम पूरी फिल्म कंप्लीट करेंगे और एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म हम लोग पब्लिक के सामने लेके आएंगे। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस से मैं आप सभी को सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मेरी फिल्मों को देखें, चोर मचाए शोर जब आएगी इसे ज़रूर देखें, इसके गाने बहुत बेहतरीन हैं, और आकाश इसमें मेरे साथ नज़र आने वाले हैं, तो हमारी जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आएगी, तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोग मेरी फिल्मों को देखें, ऐसे ही प्यार करते रहें। मेहरारू चाहे मिल्की वाइट मेरे लिए एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट था, बहुत ही रोमांटिक कॉन्सेप्ट था, क्योंकि उसमें एक जो कॉन्सेप्ट है, जो हीरो है उसको बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत लड़की से शादी करनी होती है, और वो खूबसूरत लड़की मैं बनी हूँ, तो मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट वाली फिल्म है और मैं बहुत खुश हूँ। वो फिल्म थोड़ी डिले हो गई लेकिन फाइनली वो फिल्म रिलीज़ हो रही है मेरी विशेष है पूरी टीम के साथ, और मैं चाहूँगी कि सभी लोग उस फिल्म को देखें। उसमें प्रियेश मेरे साथ आ रहे हैं, प्रियेश बहुत अच्छे हीरो हैं, बहुत गुड लुकिंग हैं, तो आई थिंक लोग उन्हें पसंद करेंगे। थैंक यू। रानी चटर्जी जो हमारी इस फिल्म की हीरोइन है, वो ड्रीम में हीरो को देखती हैं। कहानी में हीरो चोर होता है और रानी पुलिस वाली होती है, तो नेचुरली वो दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगती है, तो ये ड्रीम सीक्वेंस में
तो जो जैसा होता है सपने में आदमी उसको वैसे ही देखता है, ये मेरा विश्वास है। तो इसीलिए वो जेल के सिक्वेंस, जेल के अंदर एक चोर कैदी को देख के ये रोमांटिक गाना पिक्चर आई था। आकाश मेरा बेटा है और मैंने कभी नहीं चाहा कि वो फिल्मों में आ चुकी है। मैंने जिंदगी में जितना स्ट्रगल किया है तो मुझे लगता था कि ये लाइन बहुत कठिन है, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता। और वो ख्वाहिश एक्टर बनने के किया, और एक पिता होने के नाते अपने बच्चे के हर ख्वाहिश के लिए, अगर वो मेडिकल पढ़ता तो भी मैं किताब और उसके कॉलेज का फी देता। तो मैंने ट्रेनिंग उसके ज़बरदस्त तरीके से करवाया, एक्शन का, डांस का। और सबसे पहले उसने एक बंगला फिल्म में किया एज ए हीरो, काफ़ी सफल फिल्म थी। फिर 2014 में एक हिंदी फिल्म की उसने, ब्लड इश्क, जिसकी पूरी शूटिंग बैंकॉक में हुई थी। तो मैंने उसको महसूस किया कि ये लड़का मेहनती है, ये मेहनत करता है, सिनेमा की समझ रखता है। और चूंकि उसके पिताजी फिल्म इंडस्ट्री में हैं तो फिल्म लाइन के उतार चढ़ाव, इसकी मेहनत, किसी मंजिल को पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, जब मंजिल मिल जाता है तो वहाँ टिके रहने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, वो लड़का बखूबी इस बात को समझता है। तो मैंने कहा ठीक है। और चूंकि मैं राजनीति से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो जब बिहार के चुनाव में मैं प्रचार कर रहा था या जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, तो मुझसे लोगों ने बहुत शिकायत की, बिहार वासियों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने, कि आपने इतने वर्षों तक भोजपुरी में काम किया कि आपका बेटा सिर्फ हिंदी में करेगा। तो मैंने कहा नहीं, उसकी भाषा है, वो भोजपुरी में करेगा, आप लोग स्नेह प्यार आशीर्वाद उस बच्चे को दीजिए। ये सोचकर उसने अभी फिल्म शुरू की। अभी उसकी एक और फिल्म कंप्लीट हो गई है, तेरे जैसा यार कहाँ, जिसमें पवन सिंह और वो हीरो, वो फिल्म फरवरी में प्रदर्शित होने वाली है और इस फिल्म की शूटिंग चल रही है। देखिए, बाप होने के नाते नहीं, मैं एक कलाकार जिसने 36 वर्ष भोजपुरी फिल्मों में सफर तय किया है, या भोजपुरी फिल्मों के चलते राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया, तो एक कलाकार की हैसियत से इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि वो मेहनती लड़का है, विनम्र है, उसे मालूम है कि अपने सीनियर्स की इज्जत कैसे की जाती है, उसे मालूम है कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, तो वो ज़रूर करेगा। और उसमें जो क्षमता है, मुझे लगता है कि दर्शक भी उसको सराहेंगे, लेकिन भविष्य को कोई नहीं जानता, वो उसकी मुकद्दर की बात होगी, वो उसकी मेहनत की बात होगी। एक बाप होने के नाते जितना कुछ सिखा सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ। जी, मैं पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, और मैं 2014 में शत्रुघ्न सिन्हा जी, जो कि मेरे बड़े भाई हैं, उनके खिलाफ पटना साहिब से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। और इस मोदी जी की हवा में भी 286,000 वोट मेरे भोजपुरी को प्यार करने वाले लोगों ने दिया, जो कि एक अपने आप में अहमियत रखता है। तो मैं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रचार में जा रहा हूँ, करने जा रहा हूँ। देखिए, जैसे जिंदगी में उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन इतना जान लीजिए कि हिंदुस्तान को एक अच्छे ढंग से रूल करने के लिए कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सब धर्म, सब जाति के लोगों को, अमीर को, गरीब को,
एक साथ लेके चलता है, दूसरी पार्टियां समाज को बांटने का काम करती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जनता, और अभी जो नोटबंदी और तरह तरह के, इस नोटबंदी में तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ ही सारे कैश पकड़े गए, तो इल्ज़ाम तो कांग्रेस में भी बहुत लगा, जनता ने सजा दी, आज सत्ता से दूर हैं हम, लेकिन जनता के दिल में हम फिर से आएंगे, मेहनत करेंगे, उनकी अपेक्षाओं पे खड़ा होने की कोशिश करेंगे, और हम जानते हैं कि अगली सरकार हम लोगों की बनेगी। मेरे जीवन तो छोड़िए, मुझे तो बनिया उधार भी दे देता है, शायद इतने गुडविल है, लेकिन मैं तो देखता हूँ कि उन गरीब मजदूरों को जो दिन भर मेहनत करके 1000-1200 कमाते हैं, जो सोचता है कि 200 रुपये में पत्नी के लिए दवा ले लूँगा, 200 बच्चों को स्कूल का फी दे दूँगा, वो सब आज बेरोजगार हो गए। तो ये लोगों के मुँह से रोटी छीनने का काम किया गया है। मैं परिचय दूँ, विनोद जी हैं, ये युवा जनता दल यूनाइटेड बिहार में जिसकी सरकार है उसके बहुत बड़े नेता हैं ये युवा, और हमारे साथ हमारे बच्चे हैं एक तरीके से, इस फिल्म में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो दो शब्द आप इनसे। आज चोर मचाए शोर का पहला दिन शूटिंग है ऑनलाइन लोकेशन में, और गाना की रिकॉर्डिंग चल रही है, देख ही रहे आप, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, और काफ़ी अच्छा मेहनत ही लोग किए हैं। आकाश जी के बारे में यही कहना है कि जिनके पिता 36 साल भोजपुरी फिल्मों में रहे हैं, और पिता होने के साथ साथ गुरु का भी जो काम कर रहे हैं, तो कोई भी गार्जियन चाहते हैं कि मेरा बेटा अच्छा करे, और पूरे कोशिश करते हैं कि हमसे बेहतर करे, तो इसी के चलते आकाश जी को भी मेहनत करना पड़ रहा है, और मेहनत कर रहे हैं वो, देखे हैं उनका कुछ वीडियो देखे थे, ब्लडिक्स देखे, कुछ और भी दिखाया उनको, तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और हमें लगता है कि चोर मचाए शोर ये समाज में अच्छा मैसेज आएगा, खासकर बिहार में, क्योंकि हास्य फिल्म है जिसके लेके आज कॉमेडी फिल्म बहुत कम आया, लोग आज हंसना भूल गए, तो मुझे लगता है कि इस फिल्म को आने से लोगों में गुदगुदी बढ़ेगी, बाकी है कि फिल्म आने के बाद देखिए कि क्या इसमें दर्शकों का कितना अट्रैक्ट करता है। ये तो अभी कह नहीं सकते, है ना, इसमें कुणाल जी गए हुए थे इस बार फिल्म फेस्टिवल में, तो वहाँ पर काफ़ी इस पर चर्चा हुआ फिल्म फेस्टिवल में, और इस पर बात रखी गई थी कि जो भी क्षेत्रीय फिल्म है, तो जो उनके डायरेक्टर थे उन्होंने बोला था कि हम बात करेंगे सरकार से कि क्षेत्रीय फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए टैक्स फ्री किया जाए, तो इस पर सरकार का और लोग का अपना है कि आगे क्या रणनीति अपनाती है, लेकिन चर्चा इस पर होगी। जी हमारी बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हुई माननीय मंत्री जी से और एमडी जो फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड के हैं, मैंने कहा कि किसी भी क्षेत्रीय भाषा को अगर सरकार का समर्थन नहीं मिलेगा तो वो कभी बढ़ नहीं सकता, तो मैंने सब्सिडी की बात की है, मैंने टैक्स फ्री की भी बात की, अब सरकार उस पर विचार करेगी। बस मेरा यही कहना है चोर मचाए शोर, बस उसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है, अगर लोग देखेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा, और मेरा कैरेक्टर इसमें सिटी एसपी का है पटना का, और मैंने साउथ की फिल्में वगैरह की है, अभी पूजा ही एक पिक्चर थी लास्ट दीपावली में रिलीज हुई थी, वहाँ भी इंस्पेक्टर वगैरह का ही कैरेक्टर था, और ये पिक्चर में मेन कहानी के वजह से मैं यहाँ भोजपुरी में पहली बार आया हूँ, क्योंकि इसकी कहानी बहुत ही अच्छी लगी और बहुत ही लोग पसंद करेंगे इसे। सर मैं तो कहूँगा कहानी अच्छी है, और मैं एक पाकिस्तानी कैरेक्टर कर रहा हूँ हाफिज सईद का, जो हिंदुस्तान में आप समझते हैं जो आजकल माहौल हो ही कर रहा है। देखिए कितना चैलेंज है हाफिज सईद को किरदार में उतारना सर, रियल लाइफ में नहीं, काफ़ी 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 चैलेंज है, लेकिन मेहनत कर रहे हैं, देखिए बाकी ऊपर वाले के हाथ में,
मेरी भी सर के हिसाब से मेरी पहली भोजपुरी फिल्म है। इससे पहले मैंने अक्षय कुमार के साथ एयरलिफ्ट की थी, सीरियल मैंने काफी किए, महाभारत वगैरह। सर देखिए वो कंट्रोवर्सी भी पैदा हो सकती है। हाँ वो तो है, लेकिन हिंदुस्तान में होने भी चाहिए, लेकिन कैरेक्टर में दम तो है यार। अब वो गलत ढंग से कर रहा है वो बात अलग है, लेकिन उसके कैरेक्टर में दम है, तो इसलिए निजी राय तो किसी की अच्छी नहीं उसके बारे में यार। वो तो खराब ही आदमी है भाई, खासकर अपने लिए तो बहुत ही खराब है। अब उसके बाद भगवान दुआ करे कि बाद में पब्लिक निकलने के बाद पब्लिक मुझे मारे ना भाई का। बस यही है, लेकिन काफी चैलेंजिंग रोल। पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और ऑन लोकेशन ये शूट क्या चल रहा है, किस फिल्म की चल रही है और क्या सीक्रेट चल रहा है, उसके बारे में जानना चाहेंगे जी। पहले तो मेरा नाम प्रमोद पांडे है और मैंने भोजपुरी की कम से कम 50-60 फिल्में की हैं, जिसमें तमाम फिल्में हैं, हिट फिल्में रही हैं। और जहाँ तक इस फिल्म का सवाल रहा नाम का, इसका नाम है चोर मचाए शोर और गाना पिक्चराइजेशन चल रहा है, गाने का शूट चल रहा है, जिसमें रानी जी, आकाश जी, कुणाल जी के जो बेटे हैं वो इसमें भूमिका कर रहे हैं, हीरो का रोल कर रहे हैं। और बहुत बढ़िया गाना, जैसा आप लोगों ने देखा सुना और देखेंगे। एज ए डीओपी क्या कहना चाहेंगे आपको, कितनी उम्मीद है इस फिल्म से? इस फिल्म से है उम्मीद है, क्योंकि इसकी मैंने पूरी स्क्रिप्ट सुनी है, मुझे खुद को बहुत अच्छी लगी। कॉमेडी है, एक्शन है, रोमांच है इसमें, और मुझे खुद को ही बहुत अच्छी लगी। कुछ टेक्निकल भी चीज़ें इसमें बहुत बढ़िया हैं, जो मुझे करने में मज़ा आएगा, पिक्चराइजेशन करने में मज़ा आएगा। और हमारे ये हैं मास्टर जी, कोरियोग्राफर, नमस्कार, जो बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस को नचाते हैं, इनसे बात करती है। आप कहाँ जा रहे हैं, आपके बगैर थोड़ी नचा सकता हूँ मैं। देखिए जी, क्या कहना चाहेंगे आज गाने की अगर बात करें, की बात करें, किस प्रकार का गाना है और क्या सीक्वेंस है सर जो ये पिक्चराइज हो रहा है यार? और अगर आकाश और रानी, रानी के खैर तो कोई बात ही नहीं है, कुछ तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। पहले वाले सवाल भूल गया, लेकिन आकाश नहीं, सब सब तो 15 सवाल एक साथ पूछेगा। चलिए अच्छा आते हैं गाने पे, सीक्वेंस क्या सीक्वेंस है जी? मेरे ख्याल से अभी तक के मेरे भोजपुरी करियर में ये पहली बार इस तरह का जेल का गाना मैं कर रहा हूँ, और ये रानी का ड्रीम सीक्वेंस है, जिसके अंदर हमारा जो हीरो है वो अपराधी है, इट्स लाइक थीफ, चोर है वो, और रानी हमारी पुलिस ऑफिसर है। और इस गाने में रानी उससे प्यार करने लगी है, इसलिए रानी उसके लिए सपना देख रही है, लेकिन वो भी जेल में देख रही है। तो थोड़ा सा हम लोग एक आइटम जैसा ये गाना बना रहे हैं और देखते हैं पब्लिक को कितना पसंद आता है, मेहनत तो कर रहे हैं हम लोग। रानी की बात करें या आकाश की बात करें, तो रानी को तो नचाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, आकाश भी बहुत अच्छे डांसर हैं, आकाश भी बहुत अच्छे डांसर हैं, लेकिन थोड़ा सा होता है ऊंच नीच तो सब में होता है 19-20, लेकिन हम लोग किस लिए हैं, हम लोग इसीलिए हैं कि सब लोग, ना रानी ऊपर हो ना हीरो ऊपर हो, सब दोनों एक जैसे लगे और जो जो उनका किरदार है वो दिखाई दे। तो रिकी जी, कितना कॉन्फिडेंट है आपको इस गाने से और कितनी उम्मीद है आपको इस गाने से जी? उम्मीद तो मेरी हर गाने पे रहता है और हर गाने में कॉन्फिडेंस होता है। मेरे आज तक के गाने सारे हिट ही दे रहा हूँ मैं लोगों को, और ये भगवान का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है, मेरे गानों को बहुत ज़्यादा प्रतिसाद मिलता है, और मैं हर गाने पे मेहनत करता हूँ, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, चाहे गुजराती हो, मैं हर तरह की फिल्मों में काम कर रहा हूँ। और मिस्टर पांडे जी, हम लोग कम से कम 2 साल के बाद हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो धमाका होगा। बहुत सारी आपके गाने आपके हिट हुए हैं, फिलहाल दर्शक जानना चाहेंगे वो हाल ही में कौन से गाने हिट हुए हैं आपके? अभी एक सरकार राज फिल्म आ रही है, उसमें चुम्मा लहब 1 लाख में वो एक गाना है, इसके पहले चिकन सामान, लाल लहंगवा, मतलब बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, जैसे जुगाड़ करके देखा आशिक आवारा का दिनेश जी और अम्रपाली के साथ है। तो आने वाली मेरी बाबरी मस्जिद है, फिर आतंकवादी है, अच्छी अच्छी फिल्में हैं, सरकार राज है, देखिए कितना अच्छा आप लोगों को लगता है, और मुझे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और अपना प्यार बनाए रखिए, मैं आप लोगों को ऐसे ही गाने अच्छे अच्छे देते रहूँगा और आप लोग इन्जॉय करते रहेंगे। थैंक यू। और सीक्वेंस की बात करें तो क्या है सीक्वेंस, और रानी और आपका क्या चल रहा था जी? फिल्म का नाम है चोर मचाए शोर, और जैसा कि आप देख रहे हैं मैं कैदी की वर्दी में हूँ, तो और रानी दरोगा की वर्दी में है,
तो आंख में चोली दोनों की इसी प्रकार चलेगी, वो मुझे पीछा कर रही है मेरा किन्हीं कारणों की वजह से पटकथा की। और ये एक गाना आता है कैसे मोड़ पे, जहाँ दो जैसे चोर और पुलिस कभी मिलते नहीं, यही वो मिलन की जगह है। तो हम उस गाने को सेलिब्रेट, उस मिलन को सेलिब्रेट कर रहे हैं गाना गा के। तो उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस को पसंद आएगा। गाने और आपके केमिस्ट्री की बात करें, जी 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 जी, किस प्रकार का? अच्छा, देखिए अमूमन भोजपुरी फिल्मों में बहुत रोमांटिक हीरोइनें होती हैं, हीरो हैं, या फिर बहुत तड़का वाला गाना होता है जिसमें कि डांस है और ये है, दोनों को मिला के करना बहुत मुश्किल है। तो वो फ्लेवर शायद आपको इस बार दिख जाए। इस गाने में एक तड़का वाला है, एक रोमांटिक गाना है, तो हम चाह रहे हैं कि हर किस्म के शेड को हम दिखाएँ। और क्योंकि रानी और मेरी पहली पेयरिंग है, तो मैं तो चाहूँगा कि कुछ अलग ही हो, क्योंकि रानी बहुत सालों से इंडस्ट्री में है, बहुत हीरो के साथ काम कर चुकी है, तो प्रेशर तो मेरे ऊपर बनता है कि हम कुछ अलग करें, तो वही कोशिश है। सीनियर और जूनियर जी, रानी कुछ इस तरीके का व्यवहार डालती है? बिल्कुल नहीं, यही उनकी खासियत है कि वो अभिनेत्री तो अच्छी हैं ही, लेकिन इंसान बहुत अच्छी है। और ये मैं तब समझा जब उनसे मिला, उससे पहले तो मैं जानता था उनको नाम से, सब रानी ये है रानी वो है, लेकिन जितनी मुँह उतनी बातें। और उनकी तारीफ़ करने वालों का ताता मैं आपको बता नहीं सकता, जब मैं मिलता हूँ या फेसबुक पे देखता हूँ या ट्विटर पे देखता हूँ इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, वो छाई हुई है। और जब उनसे मिला तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही डाउन टू अर्थ लेडी हैं वो, और उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार किया मेरे साथ, उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ। आकाश, जिस प्रकार से टाइटल है चोर मचाए शोर, जी जी, तो कहीं ना कहीं पूरा क्लियर होता है कि इसमें चोर के किरदार में आप नजर आएंगे। बिल्कुल। तो रियल लाइफ में कभी आपने चोरी या पॉकेट ऑकेट मारी है? कभी बस वस में चलती ट्रेन में कभी कुछ ऐसा हुआ है आपसे? मेरे साथ हो गया, मैंने किया नहीं, उसी गुस्से में आकर मैंने सोचा कि इस बार चोर का रोल मैं अदा करूँगा। तो हुआ है, एक बार अपनी विरार फास्ट से जा रहे थे, और आप जानते हैं शाम को जो भीड़ होती है उतरने नहीं देते आप लोग, अगर गलती से विरार फास्ट में चढ़ गए और बोरिवली में उतरना है तो नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं पता था, फंस गए। और उन्होंने ऐसा मेरा हाल किया कि इसको ये उतर तो जाएगा बेटा, लेकिन बटवा लेके वहाँ से इसका गायब कर देंगे और रिक्शा पकड़ के घर नहीं जा पाएगा। हुआ कोई? आकाश, कितनी उम्मीद है इस फिल्म से, चोर मचाए शोर से कितनी उम्मीद है? बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, एक कलाकार कोशिश करता ही है कि उसकी सारी फिल्में चले, मेहनत उतना ही है, कुछ फिल्मों चल जाती हैं कुछ नहीं चल पाती हैं, अपना अपना भाग्य है फिल्म का। जी जी जी, आपका भोजपुरी में कैसा एक्सपीरियंस रहा, आगे क्या कुछ करने वाले? देखिए, जब भोजपुरी में मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहते थे कि अश्लीलता जो है उसका परचम हमेशा लहराते थे कि इसके खिलाफ हम काम करें, उनकी सारी फिल्मों को भी अगर आप देख लें, तो मेरा भी मानना वही है और मैं उसी तरफ बढ़ रहा हूँ। अभी अगर आप गाना देखें, उसका पिक्चराइजेशन देखें, तो कहीं भी ऐसा स्टेप अश्लील है नहीं और ना होगा। ये पूरी पारिवारिक फिल्म है, मज़ेदार होनी चाहिए, अश्लील नहीं होनी चाहिए। मेरे चलते चलते आखिरी सवाल जी, ओम बाबा को लेके आपका प्रतिक्रिया अगर जानना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? पूरी खलबली मचा दी उन्होंने। जी 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 जी, उतनी जानकारी मैं बिग बॉस की रखता नहीं हूँ, लेकिन जो सूत्रों से पता चला और जो थोड़ा बहुत इंटरव्यू उनका देखा है, तो इसमें क्या कहा जा सकता है, अब जनता ही इसका फैसला करेगी। मुझे लगता है अच्छी अभिनेत्री हैं, हमारी स्टार रह चुकी हैं, और मुझे लगता है कि वो बाहर निकलेंगी तो शायद उनको और बड़ा स्टारडम मिल जाए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल। अगर अब वोट में कोर्ट जाके देखता हूँ और मैं ही एसएमएस करता रहूँगा उनको कि वो जीत जाए। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चोर मचाए शोर और आपके किरदार की बात करें, किस प्रकार का किरदार है इसमें? खैर, बहरहाल टाइटल से ही पता चल जाता है कि चोर मचाए शोर कुछ इस प्रकार का और धांधली उठा पटक होगी इसमें, जी बताइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है चोर मचाए शोर की, और कुछ बहुत सालों बाद कुछ अलग सुना है कहानी में, जिसका नाम है चोर मचाए शोर। और कुणाल जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने कितना अच्छा सब्जेक्ट लेके आए हैं करने के लिए, और उसको भी प्रेजेंट कर रहे हैं आकाश सिंह जी, जो खुद में एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, उनके बेटे हैं वो, और मैं उनके साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ, ये मेरी उनके साथ दूसरी फिल्म रहेगी। तो आकाश, आपको बहुत बहुत बधाई आपकी दूसरी फिल्म के लिए नए साल में, ये आपकी पहली फिल्म है भोजपुरी, सो चोर मचाए शोर के लिए आकाश सिंह, ऑल द बेस्ट।
इसमें आपका किरदार, अगर किरदार की बात करें तो अर्जना जी क्या कुछ चुगली किरदार सूत्रों से खबरें आई? इसमें वो गिरगिट, पता ना गिरगिट जानते हैं ना, बस गिरगिट हूँ मैं, यस रंग बदलूंगी, हर एक सीन में रंग बदलती हुई नजर आऊंगी। मैं इतना ही शॉर्ट बताना चाहूंगी कि काइंड ऑफ गिरगिट है, हर सीन में कुछ ना कुछ अलग दिखूंगी मैं। क्या कुछ तड़का झड़का कुछ तैयारी किया है आपने अपने किरदार को लेके, कुछ अलग तड़का झड़का दिखाने के लिए? तैयारियां तो काफ़ी हैं, हर एक लुक को कैरी करने की कोशिश करूंगी मैं इस फिल्म में। और जैसा मेरा इंट्रोडक्शन ही है, बहुत प्यारा, हमारे अनिकेत जी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत अच्छा सोचा हुआ है, एक बाबी डॉल टाइप कुछ एंट्री है मेरी, और जब हीरो करीब आता है तो कुछ धमाका उसको दिखता है, तो काफ़ी सारे शेड्स हैं इस फिल्म में। और तड़का की बात करें तो तड़का तो इसमें मैं, आकाश एंड रानी जी हैं, तो बेचारा आकाश का क्या होने वाला है ये ऑडियंस समझ सकती है। तो रानी, रानी की और आपकी बात करें, कंपटीशन होगा क्या कुछ? नहीं, हम कंपटीशन काम में नहीं करते हैं और वैसे भी नहीं करते हैं, हम बस इतनी अच्छी केमिस्ट्री बना के चलना चाहते हैं कि स्क्रीन पे अगर झगड़ा दिखाना है, हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो वो दिखेगा कि नहीं नहीं जेन्युइनली झगड़ा है, ये लोग बहुत झगड़ेलू लड़कियां हैं, बट हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और यही केमिस्ट्री हम लोग अपनी स्क्रीन पे ला के दिखाना चाहते हैं। रियल लाइफ में कभी हुआ झगड़ा? हाँ नहीं, ऐसा कुछ खास तो नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ और होने भी नहीं देंगे। अंजना जी, चलते चलते आखिरी सवाल, आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात करें आपके, तो वो कौन सी है जी? जो रेडी है रिलीज होने के लिए, उनमें है दिल है कि मानता नहीं, शहनशाह, त्रिशूल, तेरे जैसा यार कहाँ, और जो फ्लोर पे आ चुकी है ये चोर मचाए शोर, एंड एक जिगर दिनेश लाल यादव जी के साथ में जो 25th ऑफ दिस मंथ जा रही है फ्लोर पे, तो यही अभी लाइनअप है मेरे। चोर मचाए शोर से कितनी उम्मीद है जरा जी? बहुत ज़्यादा, बहुत उम्मीद नहीं है, ये ब्लास्ट ही करेगी फिल्म, क्योंकि जो उसकी स्क्रिप्ट है बहुत ही एकदम पकड़ के चल रहे हैं, बहुत ही एकदम कट टू कट है और इंटरटेनिंग है बहुत, हर एक मतलब सस्पेंस है फिल्म में, लोग पब्लिक उठ के नहीं जाएगी। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं यार अगला सीन ये आने वाला है, बट ये फिल्म के सारे सीन स्क्रीन प्ले ऐसा है कि ऑडियंस गेस नहीं कर पाएगी कि आगे होने वाला क्या है, तो ये इस फिल्म का प्लस है। चलते चलते एक आखिरी सवाल, ओम बाबा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके करीबी मित्र है मोनालिसा, उसको बहुत इरिटेट किया उन्होंने, उसको ही नहीं बल्कि बहुत लोगों को इरिटेट किया ओम बाबा। ये ओम बाबा कौन है पहले तो मुझे ये बताओ, बिग बॉस के मतलब मुझे तो जानना ही नहीं है, मतलब मुझे जानना ही नहीं है कौन है वो। मेरी फ्रेंड मोना जी हैं जिनको इतना पेशेंस था, उन्होंने उतना हैंडल किया, और मैं होती थी तो जाने दी, छोड़िए। बाय द वे मोना जी के बारे में हम बात करते हैं, शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कंटेस्टेंट इन बिग बॉस एंड शी इज़ डूइंग वेरी वेल इन बिग बॉस, और आज उनकी शादी का एपिसोड आने वाला है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर कि आज उनकी शादी हो रही है बिग बॉस में, सो कॉन्ग्रेचुलेशन मोना एंड विक्रांत, ऑल द बेस्ट टू यू टू, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।